नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है सौभाग्यशाली। भाग्यशाली पुरुष की हथेली के कुछ लक्षण। आखिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो किसी पुरुष को या फिर किसी जातक को भाग्यशाली बनाता है। आइए हम इसी लक्षण, हथेली में पाए जाने वाले लक्षणों के विषय में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भाग्यशाली पुरुष जो होते हैं तो उनकी हथेली का जो आकार होता है वो बड़ा होता है आम आदमी के मुकाबले। हथेली के आकार, उनकी हथेली पतली नहीं होती है, पतली या सकरी लंबी हथेली बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। जो भाग्यवान पुरुष है उनकी हथेली आपको बड़ी मिलेगी, चौड़ी मिलेगी, भारी हथेली मिलेगी और गद्देदार नुमा मिलेगी हथेली। गद्देदार, बड़ी भारी और गद्देदार हथेली मिलेगी। तो भाग्यशाली पुरुष की हथेली के पहला लक्षण है कि हथेली इस प्रकार से है तो वह आदमी सौभाग्यशाली होने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है। अब यदि दूसरा चिन्ह कैसे जानेंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली ही है, ये हमारी छोटी उंगली, इसके विषय में पूर्व में भी बता चुका हूँ। छोटी उंगली आपके इस उंगली के प्रथम पर्व जो है, ये प्रथम पर्व से लंबी हो, इससे पार हो रही हो या इसके आधा तक पहुँच जाती हो, यह माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, अच्छे भाग्य लेकर आते हैं। वह होता क्या है कि ऐसे जातक के साथ कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलती है। सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि ऐसे जातक को कम मेहनत में, कम परिश्रम में इनको बड़ी। और जो तीसरा जो बात है कि सौभाग्यशाली हथेली अंगूठा, ये हमारी उंगली है तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच जो है 90 डिग्री का कोण मिलता है। मतलब हथेली थोड़ा सा बड़ा और ऐसा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार हथेली लेते हैं तो उनका हथेली कुछ इस प्रकार फैलाव ज़्यादा होगा, या ऐसा फैलाव होगा कि ये 90 डिग्री आसानी से बन जाएगा, तानने पर नहीं बनेगा। ऐसे भी करेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह दर्शाता है कि अंगूठे और तर्जनी के बीच का फैलाव, हथेली का फैलाव, यह दर्शाता है कि ये जाता है भाग्यवान है, भाग्यशाली है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और हमारी उसके बाद आती है उंगलियाँ। उंगलियों की जो स्थिति होती है, उंगलियों के जोड़ उनके मजबूत होते हैं। भाग्यशाली पुरुष के उंगलियों के जोड़ मजबूत होते हैं और आपस में ये गैपिंग नहीं मिलती, नहीं के बराबर गैपिंग मिलेगी। उंगलियाँ के जोड़ मजबूत होंगे और ये गैप जो है आपस में नहीं मिलेंगे, तो ये माना जा सकता है कि ऐसे पुरुष भाग्यशाली ही होंगे, इसकी संभावना प्रबल है कि भाग्यशाली पुरुष हैं। ये हो गए चौथा पॉइंट। अब है कि अन्य क्या, तो अन्य स्थिति में होता है कि हथेली का ये जो आकार है ये लंबा नहीं होता, ये चौरस होता है। मतलब ऐसा देखने से प्रतीत होगा, खास करके यहाँ से अगर देखेंगे तो पता चलेगा, करीब करीब ऐसा देखने से प्रतीत हुआ है कि चारों उंगली एक सीध में है, इस जगह से एक सीध में शुरू हुए हैं। असाधारण क्या होता है कि जनरली व्यक्ति की छोटी उंगली थोड़ी नीचे शुरू होती है, मध्यमा उंगली थोड़ी नीचे, मध्यमा नहीं है, तर्जनी उंगली थोड़ी सी छोटी नीचे शुरू होती है या गोलाकार, लेकिन ऐसे भाग्यशाली पुरुष की हथेली को करीब करीब ये आपको स्क्वायर शेप में यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आइए नाखून के विषय में। भाग्यशाली पुरुष के नाखून आपको जनरली लंबे नहीं मिलेंगे, नाखून जो है थोड़े छोटे छोटे मिलेंगे। रेखाओं पर जब आते हैं तो रेखाओं में बुद्ध रेखा एक कॉमन रेखा है, जो धनवान व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति की हथेली में बुद्ध रेखा अवश्य पाई जाती है। ये बुद्ध रेखा कुछ इस प्रकार से मिलती है, जो बुद्ध के क्षेत्र से निकलती है। बुद्ध जो है व्यवसाय को दिखलाता है, नई सोच को दिखलाता है, चतुरता को दिखलाता है। ये इस प्रकार से एक बुद्ध रेखा उसे हथेली में अवश्य मिलेगी, जिस प्रकार से आयु रेखा या भाग्य रेखा को टच करती हुई सिर्फ मिलती है, जिसमें एक त्रिकोण, इस जगह बृहद त्रिकोण आपको नजर मिलेगा। ये जनरली भाग्यशाली। अन्य चिन्हों की बात करें तो गुरु पर्वत से निकली मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा को जो है इस प्रकार से प्रतीत होती है कि वो गुरु पर्वत से निकली हो, कुछ इस प्रकार से प्रतीत होगी कि गुरु पर्वत से निकलती हुई मस्तिष्क रेखा, ये भी दिखलाती है। ऐसे जातक जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इनको हर कार्य का पूर्वानुमान होता है, पूर्वाभास होता है कि कल क्या होने वाला है, ये काफ़ी सोच समझ के कार्य करने वाले होते हैं। अन्य चिन्हों की बात करें तो एक चिन्ह इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से एक चिन्ह नजर आती है, ये भी चिन्ह जो है भाग्यशाली पुरुष को देखने को मिलती है। चंद्र से बुद्ध की ओर ये रेखा इस प्रकार से नजर आती है, धनुषाकार रेखा, ये भी भाग्यशाली पुरुषों की निशानी होती है। अन्य चिन्हों की बात करें तो उंगलियों में चक्र का पाया जाना, 10 उंगली में जिन्हें चक्र होता है, ऐसे पुरुष जो है भाग्यशाली होते हैं। इनके अलावा भी कई चिन्ह होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चिन्ह होता है, कई और चिन्ह होते हैं।